इंडियन टीम अगस्त के महीने में आयरलैंड का दौरा करने वाली है, लेकिन उस टूर में हेड कोच कौन रहेगा इंडियन टीम का? ना ही वो वीवीएस लक्ष्मण है, ना ही वो राहुल द्रविड़ है, बल्कि कोई और है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। सितांशु कोटक जो कि इंडिया ए के स्क्वाड के कोच रह चुके हैं, वो इस टूर पे इंडियन टीम के हेड कोच रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे टूर में 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे जो कि शुरू होने वाले 18 अगस्त से और चलेंगे 23 अगस्त तक। अगर इंडिया के मेन हेड कोच की बात करें तो वो है राहुल द्रविड़। अगर बाकी के स्टाफ की बात करें तो बैटिंग कोच है विक्रम राठौर, बोलिंग कोच है पारस, और इन सभी को आयरलैंड टूर के लिए रेस्ट दिया गया है क्योंकि आगे बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं जैसे कि एशिया कप 2023 और ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। कुछ दिनों पहले बात चल रही थी कि आयरलैंड टूर के लिए वीवीएस लक्ष्मण इस टीम के इंटरिम हेड कोच बन सकते हैं, जैसे कि पिछली बार भी वो रहे थे, पर इस बार उन्होंने फैसला किया है कि वो बेंगलुरु में ही रहेंगे इमर्जिंग कैंप के साथ और उनके साथ ही काम करने वाले हैं, तो इसीलिए सितांशु कोटक को टीम का हेड कोच बनाया गया है। सितांशु कोटक के पास कोचिंग करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि वो इंडिया ए की टीम को ऑलरेडी कोच कर चुके हैं। लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दो, क्या सितांशु कोटक के अंडर इंडियन टीम अच्छा परफॉर्म कर पाएगी या नहीं? हम ऐसे ही आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।